हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोरोना से रिलेटेड 15 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इन 15 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, कोरोना वायरस क्या है? ये वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है? बी, ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है? सी, ए और बी दोनों सही है? डी, केवल ये सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों सही हैं। गाइस, ये आंसर सही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आंसर सी सही है। ये वायरस जो है एक बड़ा परिवार, वायरस का एक बड़ा परिवार है और निडो वायरस के परिवार से भी संबंध रखता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, 11 फरवरी 2020 को विश्व संगठन WHO ने बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला जो आंसर है COVID-19 और दूसरे में CoVN-19 और इसी प्रकार 2 आंसर और हैं। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो पहला है, COVID-19। COVID-19 इज द राइट आंसर, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये जो है सही आंसर है। जो इसी प्रकार अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? आप लोगों को तो पता ही है कि चीन में जो है पहला वायरस पाया गया था, वायरस। और ये शहर देखिए आप, पहला जो आंसर है बीजिंग, दूसरा संघई, तीसरा वुहान और चौथा जो है तियानजिन। ये जो 4 शहर के नाम दिए इसमें जो सही आंसर है वो है वुहान, सी जो है सही आंसर है। देखिए और चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ से। जो चौथा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ए है मार्स, बी सार्स, सी जो है ए और बी दोनों, डी जो ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। इसका जो सही आंसर है वो सी है, मार्स और सार्स दोनों से रिलेटेड है ये कोरोना वायरस। पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? ए बुखार, बी खांसी, सी सांस की तकलीफ, डी उपरोक्त सभी। ये सारे ही लक्षण कोरोना वायरस के हैं, इसलिए जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो हम डी पर क्लिक करेंगे, डी जो है सही ऑप्शन है। ये सारे लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के पेशेंट पे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? ए क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, सी इंटो की उनकी सतह संरचना के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। तो ये जो ए है ये इसका सही आंसर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां जो क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? आप लोगों को तो पता ही है कोरोना वायरस से बचने के लिए कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है हमें। इन ऑप्शंस में हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है जो छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखें, अपने आहार के में अधिक लहसुन शामिल करें, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें,
हर घंटे के बाद अपने हाथ धोए। इसमें जो सही एक्यूरेट आंसर है जो वो ए है, छींक आने पर अपने नाक और मुंह को ढक कर रहे, क्योंकि इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है जो, निम्न में से कौन सा देश प्रयोग के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वैक्सीन भी आ गई है और रजिस्टर भी हो चुकी है, तो देखते हैं कौन सा देश है वो पहला। इनमें कुछ ऑप्शंस है, पहला है चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी रूस। तो रूस ने पहली वैक्सीन रजिस्टर कराई है, रूस ने पहली वैक्सीन रजिस्टर कराई है। सही आंसर आपका डी है। चलिए आते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, अभी हमने देखा कि रूस ने जो पहली वैक्सीन रजिस्टर कराई है, तो इसका उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है नौवां। रूस के पहले कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो उनमें से ऑप्शन कुछ इस पर है, ए कोरोनिल, बी स्पुतनिक वी, सी मेरिडियन, डी कोरोनास। तो जो बी इसका है वो करेक्ट आंसर है, स्पुतनिक वी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन है जो, निम्न में से किस संगठन ने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार किया है? तो आंसर्स में कुछ इंस्टीट्यूट के नाम है, जैसे ए है रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट पीटर्सबर्ग, बी जो है रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, सी जो है न्यूरो साइंस रिसर्च सेंटर्स, और डी है गमाली रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो इसका सही आंसर गाइस वो डी है, गमाली रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसे याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है जो, और ये क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? इनमें से ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ए N1H1, बी इबोला, सी SARS-CoV-2, डी निटो वायरस। तो एक अभी क्वेश्चन और था ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि सार्स जो है राइट आंसर था, और यहाँ पर भी आंसर सही जो है वो सी SARS-CoV-2 है। तो सी जो है सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? ए क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, बी पत्ती जैसा आकार होने के कारण, सी ईटो जैसी सतह होने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण ए इसका सही आंसर है, और ए इसका सही आंसर है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? ए 1960, बी 1963, सी 1964, डी 1962। तो जो कोरोना की पहली पहचान जो हुई थी वो सन 1960 के दशक में, उस पूरे दशक में ही हुई थी। 1960 जो है वो राइट आंसर है, ए 1960। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 के बीच फ्री और कैशलेस बीमा देने वाला राज्य? इंडिया में कोविड-19 के बीच में जो फ्री कैशलेस बीमा देने वाला एक राज्य है, जानते हैं कौन सा है वो? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर, महाराष्ट्र ने इस पहल की शुरुआत की थी कोरोना के दौरान। तो जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने रूस में स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए वित्त घोषित किया है? ए एशियाई विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, रूस विकास निवेश कोष, रशिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड, या डी विश्व बैंक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सी है, रशिया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड ने ही वित्त घोषित किया था इस वैक्सीन के लिए। तो जो सी है वो राइट आंसर है हमारा। और थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।